सबसे पहले मैं यहाँ पे पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर और शिमला मिर्च और प्याज और एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ ले ली हूँ। और टमाटर के बीज को मैं पहले से निकाल ली हूँ। बीज को निकाल लेना है, बीज डालेंगे तो वो ज़्यादा गीला हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और इसको मैं इस तरह से देखिए इकट्ठा कर ली हूँ, और जिस थाली में मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ उसी थाली में मुझे मिक्स करना है। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ मेयोनीज, तो मेयोनीज पहले मैं थोड़ा सा ही डालूँगी और इसको मैं मिलाऊँगी। अगर कम पड़ेगा तो मैं फिर से डाल दूँगी ज़रूरत पड़ेगा तो। तो ये देखिए मेयोनीज थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा और डालूंगी। और डालने के बाद इसको इस तरह से मिला लेना है। तो ये देखिए मेयोनीज पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले ली हूँ काली मिर्च पाउडर, मतलब इसको मैं मिक्सी में पीस ली थी काली मिर्च को। और उसके बाद इसमें डाल देना है स्वादानुसार नमक। और इसको इस तरह से मिला लेना है। और ये देखिए ये मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसको एक साइड रख दी। और उसके बाद यहाँ पे ले ली हूँ मैं ब्रेड, और ये मेरे पास है चटनी, हरी धनिया की चटनी। और अभी मैं ये ब्रेड में चटनी को इस तरह से लगाऊंगी। उसके बाद ये जो मैं मेयोनीज बना करके ये सब रखी हूँ सब्जी में मिक्स करके, इसको इसमें फैला देना, मतलब इक्वल फैला देना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना है। और ये देखिए ये हो चुका है। और यहाँ पे मैं दूसरे ब्रेड में भी लगा रही हूँ चटनी। आप चाहे तो आप ये चटनी के अलावा आप सॉस, मतलब टमाटो केचप भी आप लगा सकते हैं, या तो एक तरफ आप हरी चटनी और एक तरफ आप टमाटो केचप लगा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं रख दी हूँ तवा गैस पर और गैस को चालू कर दी हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूंगी घी। तो यहाँ पे अभी मैं घी इस पे लगा रही हूँ, देसी घी। और आप चाहे तो तेल लगा सकते हैं, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप इसमें लगा करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा दी हूँ एक तरफ, उसके बाद तवा पे रख दी हूँ। और इसके ऊपर मैं ये प्लेट रखूँगी और गैस को पूरा एकदम मीडियम रहने देना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास खलबट्टा है, मतलब जो अदरक भुनने वाला होता है वही है, इसके ऊपर मैं रख दी थी। और एक तरफ ये हो चुका है तो अब मैं इसको इस तरफ पलट दूंगी। इससे क्या होता है कि अच्छी तरह से ये जो अंदर का शिमला मिर्च है, सब्जी है, अच्छी तरह से ये पक जाता है। तो अब मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी, लेकिन उसके पहले घी लगाऊंगी, उसके बाद पलटूंगी।
और ये देखिए इसको पलटती हूँ और इसको इस तरह से सेक लूँगी। तो ये देखिए सिक गया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सिका हुआ है। मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए मेयोनीज सैंडविच बनके तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो ये प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर थोड़ा आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। Thank you.